जी कहिए। आप विधि रायचंद जी हैं ना? जी, पर आप कौन? देवव्रत रायचंद के लिए ये नोटिस आया है। ओके, थैंक यू। देखिए, ये नोटिस इसलिए आया है कि कुछ महीनों से बालघर के टैक्सेस पेंडिंग हैं। अगर 3 दिन के अंदर ये टैक्सेस नहीं भरे गए तो बालघर को सील कर दिया जाएगा। मैडम, यहाँ पर साइन कर दीजिए। मैं क्या करूं? मैं नीची को ये कैसे बताऊं कि उनकी आखिरी उम्मीद, उनका ये बाल घर आज पैसों की कमी की वजह से उनसे छीना जा रहा है। माँ, ये बाल घर सिर्फ उनके दिल के करीब नहीं है, उनका पूरा बचपन भी था है यहाँ। वो इस बाल घर को अपने से दूर होते हुए नहीं देख पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं देव जी या किसी को भी इस लड़के के बारे में नहीं बता सकती। ये बताकर उन्हें दुखी नहीं कर सकती। मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ भी करके फंड्स लाने होंगे जिससे ये बाल घर बच सके। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे देव जी को पता भी ना चले और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए? हेलो। हाँ विरूप जी। हाँ, मैं विधि देवव्रत रायचंद बोल रही हूँ। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे स्टार भारत पर।